अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आयशा'स ब्यूटी एंड किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ शनवारी चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स जाते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना स्टोव ऑन कर लेती हूँ। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल, जो कि मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर मैं इसमें चिकन ऐड करती हूँ। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया और मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। चिकन यहाँ पे मैंने 1/2 kg लिया है और ये चिकन सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चिकन को हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। चूल्हे को हम हाई फ्लेम पे रखेंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। चिकन का कलर जो है वो चेंज हो रहा है ऑलमोस्ट। चिकन का कलर चेंज हो गया। अब इस पॉइंट पे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, जो कि मैंने दिया है 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह भून लेंगे 2 मिनट के लिए। अब इसमें हम 3 अदरक हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा अदरक जुलियन कट ऐड करूँगी, बस इतना सा, और बाकी मैं गार्निश के लिए रखूँगी। यहाँ पे मैं स्टोव का फ्लेम थोड़ा लो पे कर दूँगी। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें टमाटोज ऐड करूँगी। मैंने 3 टमाटर लिए हैं, जो कि मैंने 1/2 pieces में कट कर लिए हैं, और मैं इस तरह इस पर रख दूँगी ताकि बाद में हम इससे आसानी से छिलका रिमूव कर सकें। अब हम इसको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट तक हम इसको पकाएंगे हल्की आंच पे। तो व्यूअर्स 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम चिकन को देखते हैं। इसके छिलके को हम इस तरह रिमूव कर देंगे। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं टमाटर्स को। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें नमक ऐड करूंगी 1 tablespoon। 1 tablespoon इसमें मैं काली मिर्च ऐड करूंगी। बहुत झटपट बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है, बहुत लाइट भी होता है बिकॉज इसमें मसाले बहुत कम जाते हैं। अब कम टाइम में भी इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं। फिर इस गोश्त को हम अच्छी तरह भून लेते हैं।
वीवर्स, यहाँ पे हमने अच्छी तरह अपनी चिकन की भुनाई कर ली है, ये तकरीबन रेडी है। अब इस पॉइंट पे मैं 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और कुटा हुआ जीरा ऐड करूँगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। बस 1 मिनट के लिए हम इसे और भूनेंगे और फिर मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। तो बस देखें, यहाँ पे हमारी शिनवारी चिकन कढ़ाई रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार से डिलीशियस शिनवारी चिकन कढ़ाई रेडी है। मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको चटनी और नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी डिश अच्छी लगी होगी, तो दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।